चीनी में से 1 किलो शक्करकंदी है। रेसिपी बनाने से पहले इसे अच्छा सा उबाल लें। ओके जी। एक्विवेंस मैं बेबी जीनी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आज मैं आपको एक नया और यूनिक सा मीठा बता रहा हूँ, जो मीठे के शौकीन हैं, स्वीट लवर्स हैं, उनके लिए स्पेशली ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा है। मेरा मदर इसे सर्दियों में बनाया करता था। जब जब शक्करकंदी का मौसम आता तो हम इसका वेट करते कि ये स्वीट डिश हमारे लिए कब रेडी होगा। इस स्वीट डिश के लिए आपको चाहिए होगा 1 पाव उबला हुआ शक्करकंदी, हाँ, और 1 प्याली या आधा प्याली ड्राई मिल्क। अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, विदाउट ड्राई मिल्क भी ये बहुत मज़े का बनता है जी। और इसके साथ आपको चाहिए होगा ड्राई फ्रूट थोड़ा सा, अगर नहीं है तो वाल एंड गुड, फिर भी बहुत मज़े का बनता है जी। इसके साथ हसबे जायका शुगर और यू क्योड़ा और 1 किलो मिल्क। तो अब हम इसे कैसे रेडी करते हैं, आई टेल यू। ओके, लेट्स गो विद मी, वी विल कुक। हाँ, चीनी में दूध को जोश आ गया, अब मैं इसमें ड्राई मिल्क डाल रहा हूँ। ओके जी, ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा जी, जोश भी आ गया है दूध को। अब मैं इसमें शक्करकंदी भी ऐड कर दूंगा ताकि वो भी इसके साथ गलता रहे। ये देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया, सूखा दूध डालने से ज़बरदस्त हो गया है। चीनी बस, अब मैं इसमें शक्करकंदी ऐड कर रहा हूँ। ये देखिएगा ये काफ़ी हद तक गला हुआ है, बाद में ये इसमें खुद ही सेट हो जाएगा। ये देखिए बस इसको हिलाते रहना है थोड़ा थोड़ा देर के बाद। शुगर जो है हम बाद में ऐड करेंगे ताकि, ये देखिए गला हुआ है बिल्कुल भी, ये देखिए जस्ट लाइक दिस। ओके, बस अब इसे पकने देंगे। चीनी बस आहिस्ता आहिस्ता आँच पर पक रहा है खीर शक्करकंदी का, देखिए। चीनी बस धीरे धीरे पक रहा है जी। चीनी बस शक्करकंदी का खीर ऑलमोस्ट रेडी है जी। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रहा हूँ, साथ ही किशमिश भी, ये देखिएगा। थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं आंच को बंद कर दूंगा क्योंकि हांडी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें खुद से ही सेट हो जाएगा चीनी का, जो भी पानी होगा ना विवर्स चीनी का, तो खुद ही खुश्क हो जाएगा क्योंकि हांडी बहुत हॉट हुआ हुआ है, सुदास हुआ है। चीनी बस मैंने हांडी को आंच से हटा दिया, तो अब मैं इसमें यू क्योड़ा भी ऐड कर दूंगा और वो जो बादाम है वो भी, कि खुद से सेट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट है। चीनी बस अब मैं इसमें 1 स्पून यू क्योड़ा ऐड कर रहा हूँ। और साथ ही बादाम जो थे, वैसे हांडी में पकाने का एक फ़ायदा ये भी है कि हांडी जो है ना काफ़ी देर तक हॉट रहता है, तो जो थोड़ा सा कसर रहने दिया कीजिए ताकि इसमें बिल्कुल बाद में सेट हो जाए। ओके जी, मज़ेदार सा शक्करकंदी का खीर रेडी हो गया है। इस तरह का बनता है जैसे खोए से बना हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना सबका ख्याल रखिएगा। ओ हाँ, अल्लाह ताला से मोहब्बत ज़रूर कीजिएगा। मिलेगी इंशाल्लाह एक नया रेसिपी में। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।